जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रों में कलश का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरी नहीं माना जाता है। हर वर्ष अश्विन माह के नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। इसीलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए। वरुण और अग्नि को साक्षात देवता माना जाता है। वरुण का प्रतीक कुंभ है। कुंभ को देखते ही समुद्र मंथन की कथा का स्मरण होता है। गट के साथ ही जुड़ी है श्री कृष्ण की बाल लीला और समुद्र मंथन का प्रसंग। मोहिनी अवतार के हाथों देव असुरों के बीच अमृत बांटने की कथा स्मरण हो जाती है। शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है। कलश स्थापना के समय जिन श्लोकों का उच्चारण और जो भावना व्यक्त की जाती है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कलश क्यों मंगल सूचक है। कलश की स्थापना और उसके पूजन के समय पुजारी शास्त्र सम्मत कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कलश पूजा का महत्व। कांचन से कीर्ति महान है और सुवर्ण से सुनहरा जीवन श्रेष्ठ है। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश वह कीर्ति और वैसा जीवन प्राप्त कर चुका है। अब उसे अपने बारे में हीन भाव रखने का कोई कारण नहीं है। छोटा मानव भी महान कार्य में निमित्त बना हो तो वह जीवन में महानता के शिखरों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उसे छोटेपन का अनुभव नहीं करना चाहिए। कलश भारतीय संस्कृति और अर्घ गण्य प्रतीक है, इसलिए तो महत्वपूर्ण सभी शुभ प्रसंगों से पुण्याह वचन कलश के साक्षी में तथा सानिध्य में होता है। प्रत्येक शुभ प्रसंग या कार्य के आरंभ में जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा की जाती है उसी तरह कलश की भी पूजा होती है। देव पूजा के स्थान पर इस कलश को अग्रस्थान प्राप्त होता है। पहले इसका पूजन, फिर इसे नमस्कार और बाद में विघ्नहर्ता गणपति को नमस्कार। ऐसा प्राधान्य प्राप्त कलश और उसके पूजन के पीछे अति सुंदर भाव छुपा हुआ है। नवरात्रि के शुभ पर्व में कलश पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित करते ही सूर्य आकर उस पर आसनस्थ होते हैं। कलश को सजाते ही वरुण देव उसमें विराजमान होते हैं। जो संबंध कमल सूर्य का है वही संबंध कलश वरुण का है। वास्तव में कलश यानी लोटे में भरा हुआ या गड़े में भरा हुआ साधारण जल, परंतु कलश की स्थापना के बाद उसके पूजन के बाद वह जल सामान्य जल न रहकर दिव्य ओजस्वी बन जाता है। हे वरुण देव, तुम्हें नमस्कार करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यज्ञ में आहुति देने वाले की याचना करता हूँ कि तुम हम पर नाराज मत होना, हमारी उम्र कम मत करना आदि वैदिक दिव्य मंत्रों से भगवान वरुण का आवाहन करके उसकी प्रस्थापना की जाती है और उस दिव्य जल का अंग पर अभिषेक करके रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश पूजन के प्रार्थना के श्लोक भी भावपूर्ण है। उसकी प्रार्थना के बाद वह कलश केवल कलश नहीं रहता किंतु उसमें पिंड ब्रह्मांड के व्यापकता समाहित हो जाते हैं। हमारे ऋषियों ने छोटे से पानी के लोटे में सभी देवता, वेद, समुद्र, नदियां, गायत्री, सावित्री आदि की स्थापना कर पापक्ष और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में समन्वय साधा है। बिंदु में सिंधु का दर्शन कराए हैं। नए घर में प्रवेश करने से पहले कुंभ रखने की प्रथा प्रचलित है। जल पूर्ण कुंभ की तरह उस भावपूर्ण और नव पल्लवित रहे ऐसे मंगल कामना करके इसके पीछे रही है। कलश या कुंभ पर श्रीफल रखने से उसकी शोभा दोगुनी होती है। श्रेष्ठागमन के समय माथे पर त्रिफल युक्त कलश लेकर यदि रहने वाली कुमारिकाओं को हम कई बार देखते हैं। भाव भेने आतिथ्य सत्कार का यह अनोखा प्रकार है। गुजरात में नवरात्रि के प्रसंग पर खेला जाने वाला गरबा कलश या कुंभ का ही स्वरूप है। गरबा सजल होने की बजाय सतेज होता है। वास्तु और स्थापत्य शास्त्र में भी कलश का सबसे खास महत्व है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।